हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वंडर शेयर फिल्मोरा 9 से अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें नीड होगी वंडर शेयर फिल्मोरा 9 की। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगा, तो इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। जब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस मिलते रहें। तो जैसा कि ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको सामने ही एक जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पर एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड विद वेबकैम। अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर डेस्कटॉप में कैमरा यूज़ करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की मदद से आप अपने पीसी की स्क्रीन को नॉर्मली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो की मदद से, अगर आपके पास ऑलरेडी एक वीडियो है और आप उसमें साउंड डालना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन को यूज़ कीजिए। पर जैसा कि मैं सेकंड ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप इस साउंड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनल साउंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगर आप माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर माइक है तो माइक से रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो हम इन दोनों को ही एनेबल करते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं, फुल स्क्रीन, कस्टम और एक और। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपकी फ़ाइल लोकेशन, मतलब आपकी वीडियो कहाँ जाके सेव होगी। उसके बाद आपको FPS का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रेम पर सेकंड। आप इसे 60 करिए, इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी एकदम बेस्ट आएगी। और नीचे वाले ऑप्शन को भी बेस्ट पर सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आप अपने माउस के कर्सर का कलर भी चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हॉटकीज दिए हैं जिससे वीडियो पॉज, प्ले या फिर स्टॉप हो सकती है। आपको रिकॉर्डिंग के लिए इस रेड बटन पर टिक करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फ़िलहाल मेरी ये वीडियो, मेरी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो जैसे कि मैंने F10 पर क्लिक किया, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपकी वीडियो मिल चुकी है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो मिल चुकी है। उसके बाद आपको इस वीडियो पर जाके एक प्लस के साइन पर टिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फाइल लोकेशन देख के एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फाइंड टारगेट पर क्लिक करना है, इससे आपकी फ़ाइल जहाँ भी सेव होगी आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के और ट्यूटोरियल वीडियोज़ मिलते रहें।